हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं विक्की और आप देख रहे हैं विक्की के कास्ट। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि MIUI 10 का नया फंक्शन जो अपडेट हुआ है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं। बट मुझे ऐसा फील हुआ है क्योंकि वो प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया है। एक्चुअली बात यह है कि जैसे कि जो MI का जो कास्टिंग है, वायरलेस जो डिस्प्ले है, वो पहले बहुत ही सिंपल था और बहुत ही इजीली कनेक्ट हो जाता था किसी भी डिवाइस से। लेकिन जो अभी का जो फंक्शन है उसको कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि मैंने, मतलब जब से नया जो फंक्शन आया है उससे कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करा डिवाइस से, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। सो मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ ईजीली। सो आपको सिंपली करना ये है कि आप प्ले स्टोर से जाके एक एक्टिविटी लॉन्चर नाम है, उसको आप डाउनलोडिंग करेंगे, जो कि आपको बहुत ही 900 समथिंग KB में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डाउनलोडिंग कर रखा है। यहाँ पे जैसे आप डाउनलोडिंग करेंगे तो जो भी यहाँ पे वो मोबाइल्स के जो हैंडसेट का जो फंक्शन है जो है वो लोड हो जाएगा यहाँ पर। और आप यहां पे सिंपली सर्च कर सकते हैं वायरलेस डिस्प्ले, और उसको सिंपली ऑन करके और डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो जैसे कि यहां पे मैं देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे मैं वायरलेस डिस्प्ले ऑन करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं वायरलेस डिस्प्ले मिल गया मेरे को। वायरलेस डिस्प्ले को जैसे ही मैं ऑन करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये 3-4 डिवाइस आ गए। इस पर जैसे मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ऐप कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही बेनिफिट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।